बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एसपी और बीजेपी दंगों के सहारे सरकार बनाती है। एसपी सरकार में 134 दंगे हुए जबकि बीएसपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। लखनऊ के मोहनलालगंज में रैली को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि एसपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग बीजेपी के झूठे वादों में आ गए हैं। बीजेपी ने कृषि कानूनों को लाकर 700 किसानों की बलि ले ली। हमने 2007 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम किया है लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम करती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि ब्राह्मणों का नाम सुनते ही इनका दिल जल जाता है। व्यापारी की हत्या में 1.5 साल से एक आईपीएस अफसर को पकड़ नहीं पा रही है। बीजेपी ने एसपी सरकार को अराजकता और अपराध के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और तो और बीएसपी महासचिव ने गंगा एक्सप्रेसवे की योजना को बीएसपी सरकार द्वारा शुरू करने की बात भी कही है। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्र के बेटे कपिल मिश्र ने भी जनसभा को संबोधित किया।